वी आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लड़की ने पोस्ट करके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर बीच रास्ते में छोड़कर धोखा देकर चले जाने का आरोप लगाया है। लड़की ने लिखा है, मैं डिप्रेशन में चली गई, इस एक हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। अब मेरा समाज बताए गलत कौन था, मैं या वो। लड़की ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में एक रोता हुआ आदमी आया जिसने रात रात भर मुझे अपनी दर्द तकलीफ संघर्ष की कहानियां सुनाई। उसे कभी अपनी जिंदगी में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो तलाश में था, कभी खुश नहीं था, अकेला था जीवन में। पीड़िता के अनुसार उसने हर दिन मुझे यह एहसास कराया कि उसे और इस आंदोलन को सफल करने में उसे मेरी जैसी बुद्धिजीवी महिला की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन वो बोलता रहा कि यह लोग दो ताकतों को एक नहीं होने देना चाहते, इसलिए किसी की मत सुनो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लड़की ने लिखा, मैं भी अपनी विदेश की जिंदगी, अपनी खुशियों को छोड़ उसकी हमदर्द बन गई, उसकी हर बात मानने लगी, उसके संघर्ष की साथी बन गई, अपनी इज्जत मान सम्मान सब दांव पर लगा दिया। सोचा यही कुर्बानी होगी मेरी अपने समाज के लिए। उसका हर तरीके से साथ देने लगी, सबने मना किया था कि धोखा मिलेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उसके लिए जीने लगी। युवती के मुताबिक फिर एक दिन वो आदमी मुझे बीच रास्ते में छोड़ धोखा देकर चला जाता है। मैं समझ ही नहीं पाई कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं पहली बार अपने घर से दूर विदेश अपने सपने पूरे करने आई थी, कुछ बनने आई थी, लेकिन इस एक हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। लड़की ने लिखा, उसने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया कि वो मर्द है, कुछ भी करेगा लेकिन समाज उसे अपनाएगा, अपना नेता बनाएगा, प्यार इज्जत देगा, लेकिन एक औरत बदनाम होगी, उसे सबके ताने सुनने होंगे। इस रिश्ते में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लोग गंदा गंदा बोलते रहे, मैंने सबकी सुनी, वो आया मेरी जिंदगी के साथ खेल के चला गया। यह मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती।